यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। सो लेट मी नो बिफोर प्रोसीडिंग एट इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एंड लेट सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए लेट्स बिगिन ऑफ। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्रा। और मैं बता दूं आपको, आगे बढ़ने से पहले, इस बार की ऑल इंडिया रैंक वन में श्रुति शर्मा ने खुद रिकमेंड किया था इस चैनल को फॉर मैपिंग एंड ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोज। शी यूज टू वॉच द चैनल फॉर मैपिंग एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स और वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप के बहुत अच्छे वीडियोस इस पर अपलोडेड है। उस समय यही वीडियोस अपलोडेड थे, अब तो करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है इस चैनल पर। एंड लेट मी टेल यू, आईएएस टॉपर्स मंत्रा हेडक्वार्टर इन पुणे हैज़ लॉन्च्ड वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें एक संकल्प टेस्ट सीरीज भी है जो 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा सक्षम वीकेंड मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें 3 दिन क्लासेस चलती हैं, सैटरडे संडे मंडे, लगभग 5 आवर्स डेली, मीन्स सैटरडे संडे मंडे को 5 5 5 घंटे का सेशन। इसमें न्यूज सिनॉप्सिस तो होता ही है, आंसर राइटिंग भी डिस्कस किया जाता है, एमसीक्यूज भी आते हैं, और इसमें संकल्प टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है सक्षम वीकेंड मेंटरशिप प्रोग्राम में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू गेट कंटेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एथिक्स के स्टडीज भी उसमें डिस्कस किए जाएंगे अब इस वीक से। ऑलरेडी डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर योजना, कुरुक्षेत्र, नेशनल ज्योग्राफिक, जितना मीन्स डाइवर्सिटी है यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स में, उतना वहाँ डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा 1 ईयर एंड 2 ईयर ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं आईएएस टॉपर्स मंत्रा की तरफ से। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अपॉन दीज मोबाइल नंबर्स एज गिवन बिलो, 8329637094, 7038899438, 7276637094। ये 3 मोबाइल नंबर्स में किसी एक पर संपर्क कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। एंड कुछ लोगों ने कल टेलीग्राम पे पुटअप किया हुआ है सक्षम मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, मैं आज आंसर करूंगा उनको, दैट जो भी क्वेरीज होंगी, नो नीड टू वरी। चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। आज 9 नवंबर है, हर करंट अफेयर्स के न्यूज़ को हम देखते हैं 3 तरीके से। एक है डिकोड इंटरलिंक अप्रोच, आपको भी पता है ये मेंस के लिए वैल्यू एडिशन करवाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन गेटिंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इनपुट्स, जो आप मेंस में आंसर राइटिंग में पुटअप कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट सम गुड मार्क्स। 360 डिग्री अप्रोच इज फॉर द प्रीलिम्स, जिसमें बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको, दैट वहीं से यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछती है। एंड थर्ड इज फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अप्रोच, जिसमें कोई अगर कोई न्यूज फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या आज इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग, तो टेक आउट द एटलस स्टूडेंट्स, एटलस निकाल लीजिए, जीएस पेपर 1 2 3 4 मेंस का सिलेबस निकालिए, न्यूज नोटबुक निकालिए, 3 4 कलर के पेन निकालिए। चलिए बढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ, रेडी हैं मुझे बताइए। तो चलते हैं, सबसे पहला न्यूज ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इकोलॉजी एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की का ये टॉपिक्स, ये ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, जीएस पेपर 1/3 में ये इनका जगह है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला न्यूज, CSIR एंड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मींस ये मैं बता दूं आपको, CSIR का ही एक एजेंसी है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो अब अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा है अगेंस्ट फ्लड्स, रॉक स्लाइड्स, एवलांचेस, यस, इन हिमालयन स्टेट्स। टेल मी स्टूडेंट्स, हिमालयन स्टेट्स में क्या डिजास्टर्स बढ़ गए हैं, मुझे बताइए। उत्तराखंड में चमोली डिजास्टर हो 2021 के फरवरी का, जब ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ था, या अपार्ट फ्रॉम दैट लैंडस्लाइड हो हिमाचल प्रदेश में दिस ईयर, या उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो, दिस हैज बिकम वेरी कॉमन। एंड ऑल्सो जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हो या लैंडस्लाइड हो, दिस हैज बिकम वेरी कॉमन इन द हिली टेरेन्स, एंड दिस इज वाई वी नीड सम काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। वी ऑलरेडी हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल्ड जो सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। देखिए, अगर
जरा भी ट्रेमर्स होते हैं पृथ्वी में, तो वो चेक करते हैं, वो दिस कैच करते हैं और वो सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन टू द सेंटर. येट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या बहुत कम है, देर आर वेरी लेस इंस्ट्रूमेंट्स एट प्रेजेंट. तो इसको ज्यादा बढ़ाना है, और वो भी इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक केवल फुट हिल्स पे प्लेस किए गए थे, तो अब इसको माउंटेन्स के बीच में प्लेस करना. यस, दिस इज इट वॉट द न्यूज इज टॉकिंग अबाउट. इट्स टॉकिंग अबाउट दैट वी नीड टू इंस्टॉल इट इन साइड द मीन्स इन बिटवीन द माउंटेन्स. यस, माउंटेनियस टेरेन के अंदर. ये देखिए, तो मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, क्या ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ये स्टेप है? मुझे बताइए. डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इज अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट लीडिंग टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, अचानक से हुआ कोई इवेंट जिससे बहुत सारे लोगों की जान मींस क्षति हो जाए, एंड दिस इवन द प्रॉपर्टी ऑल्सो. यस, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन इन दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, डिजास्टर्स के केस में कल नेपाल में एक अर्थक्वेक 6.5 रिक्टर स्केल पर मेजर किया गया है. अर्थक्वेक ने स्ट्राइक किया जिसके ट्रेमर्स फील किए गए नॉर्थ इंडिया में भी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत होती है सुनामी के साथ. सुनामी याद कीजिए, दिसंबर 26, 2004, बहुत मैसिव डिजास्टर था. सुमात्रा आइलैंड के पास में अंडरसी अर्थक्वेक, सबमरीन अर्थक्वेक आया था. उसका असर, जो एनर्जी रिलीज हुआ उसके कारण वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ट्रांसमिट हुआ, एंड द वेव्स केम अप वेरी हाई इन हाइट. दीज हाई हाइट वेव्स आर नोन एज सुनामीज, एंड दे कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इन श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स. दैट्स इट. तो इसीलिए यहाँ पर ये लगाना जरूरी है स्टूडेंट्स. अब देखा जाए क्या ये वाकई में हमें हेल्प करेगा कि नहीं. लेकिन चमोली डिजास्टर जो हुआ था, फरवरी 8 तारीख था शायद, मुझे जहाँ तक याद है, फरवरी 1st week 2021, चमोली डिजास्टर लेड टू द अकरेंस ऑफ ग्लेशियल आउटबर्स्ट कॉजिंग ह्यूज कैजुअल्टीज डाउन स्ट्रीम इन द रिवर. यस, तो इसको डिकोड इंटरलिंक अप्रोच के साथ में, DIA, डिकोड इंटरलिंक अप्रोच के साथ में इसको लिंक कर दीजिएगा. Any topic of disaster management, any topic of floods, any topic of landslides, any topic of avalanches, any topic of cloudburst आया, तुरंत उठा के लिंक कर दीजिए. कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है. और यहाँ से एक मेंस का सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स, द नीड ऑफ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्लानिंग सिस्टम फॉर हिमालयन स्टेट्स. इसके ऊपर बार बार डिस्कशन चल रहा है. क्या वाकई में डू वी नीड अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्लानिंग फॉर हिमालयन स्टेट्स, मुझे बताइए. यस, हिमालयन स्टेट्स बार बार कह रहे हैं हमारे लिए अलग मिनिस्ट्री बनाइए या डिपार्टमेंट बनाइए, हमारी प्लानिंग डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए. तो यहाँ से एक सवाल मेन्स के लिए निकल रहा है, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. एग्जामिन द नीड ऑफ डिस्टिंक्ट प्लानिंग सिस्टम, डिस्टिंक्ट मिनिस्ट्री या सेपरेट प्लानिंग फॉर हिमालयन स्टेट्स. ये देखिए, सेपरेट प्लानिंग क्या जरूरत है, थोड़ा सोचिएगा, लिखिएगा, ठीक है. तो चलिए, ये पहला न्यूज था, ठीक है. 10 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, नीड ऑफ अ डिस्टिंक्ट प्लानिंग सिस्टम और मिनिस्ट्री फॉर द हिमालयन स्टेट्स. दैट्स इट. आइए सेकेंड न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं. देखिए, केकड़ा, न्यू क्रैब स्पीसीज फाउंड इन तमिलनाडु. Researchers have discovered a new species of estuarine crab at the mangroves. ये देखिए, near the Vellar River. ये देखिए, Vellar River Tamil Nadu में, ये note कर लीजिएगा students. ये देखिए, pairs में आ जाएगा तो चले जाइएगा हवा खाने, इसलिए इसको note कीजिए. Second point, ये देखिए, ये estuaries में भी पाया जाता है crabs, ये मालूम चल गया estuaries में. ये देखिए, very very important point. And third thing, the species has been named as Pseudohelis annamalai. तो ये देखिए, Pseudohelis जो जीनस है, ये क्रैब मीन करता है, बस इतना याद रखिएगा. Pseudohelis जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को कहते हैं, वैसे Pseudohelis. ये देखिए, अगर आ गया Pseudohelis, ठीक है, पेयर्स में, ये कौन से एनिमल को डिनोट करता है, इट्स क्रैब. ये देखिए, तो Pseudohelis इज इंपॉर्टेंट, Vellar रिवर इज इंपॉर्टेंट, एस्चुअरी में क्रैब्स पाए जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. दिस न्यूज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. दैट्स इट स्टूडेंट्स. इज दिस क्लियर, मुझे बता दीजिए, ठीक है. लैगून और एस्चुअरी में फर्क होता है, ठीक है. एस्चुअरी
इज जस्ट अपोजिट ऑफ डेल्टा। मैंने बताया था आपको डेल्टा का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। व्हेन द सी वाटर इज अ डायनामिक फोर्स, और इस पानी के अंदर इतनी इतनी एनर्जी होती है ना, ये जहां स्ट्राइक करता है मैसिव एरोशन करता है। लेकिन यही पानी एक जगह पर दो फोर्सेस अलग अलग ड्रिवन बाई सेपरेट डिस्टिंक्ट एनर्जीज दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर एंड दैट इज द रिवर माउथ एंड द सी रिवर वेयर द रिवर मीट्स द सी। नदी का पानी आ रहा है और इधर सी समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज इट इज गेटिंग हीटेड अप बाय द सन एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो ऐसी जगह पर अगर रिवर में सेडिमेंट्स ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा जब पानी में ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, ज्यादा सैंड होता है, ज्यादा बालू होता है, ज्यादा मिट्टी होती है, इट हैज मच मोर फोर्स। यस, तो सी सेडिमेंट्स, सी में तो सेडिमेंट्स लगभग कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है, जो स्ट्राइक कर रहा है। जिस रिवर में ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, द रिवर एंटर्स द सी विद इंक्रीज्ड फोर्स एंड डिपॉजिट्स द सेडिमेंट्स इनसाइड द सी एंड दैट इज नोन एज डेल्टा। बट इफ द रिवर इज नॉट कैरिंग सेडिमेंट्स, द रिवर फॉल्स वीक ऑन द रिवर माउथ एंड इन दीज कंडीशंस द सी एंटर्स द रिवर माउथ एंड इट दिस द रिजल्टेंट रीजन ऑफ द रिवर माउथ बिकम्स सलाइन। यस, तो वहां सॉल्टी वाटर हो जाता है, जैसे नर्मदा और तापी के रिवर माउथ पे हुआ है, आप देख लीजिएगा जाकर, क्लियर है। तो यहां पर ये डेल्टा एंड एश्वरी आर लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ रिवर एंड सी बोथ, वाइल लैगून इज जस्ट अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द सी वाटर। ठीक है, अब उस जगह पर सी डिपॉजिट कर रहा है सेडिमेंट्स, ठीक है, सी डिपॉजिट करता है या सी बीचेस, उसी का रिजल्ट है, लैगून भी वैसा ही है। तो इनक्लोजर ऑफ द सी वाटर इज नोन एज लैगून, दैट्स इट। तो चलिए, क्या ये क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। तब एश्वरी और डेल्टा एक तरफ है और लैगून एक तरफ है, तो एशिया का सबसे बड़ा लैगून कहां पे मुझे बताइए। तो ये देखिए, स्यूडोहेलिस, वेलार रिवर एंड एश्वरी, क्लियर हुआ। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। ये देखिए, यूएन चीफ स्लैम्स कंपनीज एंगेजिंग इन टॉक्सिक कवर अप। सर ये क्या है सर? ठीक है, ये क्या है सर? ये तो दिक्कत की बात है। ये यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहे हैं टॉक्सिक कवर अप मत कीजिए। ये टॉक्सिक कवर अप क्या है? बोला गया ये ग्रीन वॉशिंग का नया नाम है। ये देखिए, ग्रीन वॉशिंग, यस। The UN chief called on Tuesday for an end to a toxic cover-up by the companies. जैसे companies होती है ना, वो कहती हैं मेरा net zero emission होने वाला है 2030 तक, उसके बाद क्या थोड़ा पेड़ काट दिया जाए क्या? जैसे आप घर में बोलते हैं, आज मैंने 8-10 घंटे पढ़ाई कर ली, थोड़ा जाके 2 दिन रेस्ट कर लें क्या? आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, थोड़ा बाइक खरीद दीजिएगा क्या? ओके, आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई कर ली, क्या मैं सबको मार दूं क्या? ऐसा कुछ कंसेप्ट, ठीक है। तो यही देखिए, यहां पर ग्रीन वॉशिंग, यही इसी को कहते हैं कि आज तो मैं कार्बन एमिशंस मैं अपनी कंपनी से कम कर रहा हूं, चलो पेड़ काट दिया जाए। इसका मतलब क्या है? इसी को कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं एंटोनियो गुटेरस, इसको बंद कीजिए। ये देखिए, ग्रीन वॉशिंग केम अप इन द प्रीलिम्स 2022, दिस वर्ड केम अप इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस लास्ट जनवरी, इन दिस जनवरी 2022, और मैंने आपको ये पढ़ाया था टॉपिक, और ये टॉपिक आ गया था प्रीलिम्स में सिंगल लाइनर क्वेश्चन, नहीं ग्रीन वॉशिंग क्या है, आया था ना। तो अब इसी को कह रहे हैं, उस समय ग्रीन वॉशिंग न्यूज में क्यों आया था? बिकॉज यूरोपियन यूनियन एंड अदर कंट्रीज वर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देयर ग्रीन वॉशिंग, ओके। लेकिन अब यहां पर स्टूडेंट्स इस जगह पर ये कह रहे हैं एंटोनियो गुटेरस, ग्रीन वॉशिंग कंपनीज ज्यादा कर रही है, प्राइवेट कंपनीज, ये देखिए प्राइवेट कंपनीज, ये देखिए, यस स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो प्राइवेट कंपनीज को वार्निंग दिया इन्होंने, अगर ऐसा रहा, देखिए कल उन्होंने कहा था कोऑपरेट और पेरिश, आज इन्होंने क्या कहा है? टॉक्सिक कवर अप नॉट टू बी डन इन द वर्ल्ड, एंटोनियो गुटेरस। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ इस टॉपिक में। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग रिसेंटली कंडेम्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल। ये देखिए, ग्रीन वॉशिंग एज अ प्रैक्टिस इज प्रेवलेंट इनफ टू क्रिएट कंसर्न्स ओवर क्लाइमेट गोल्स गेटिंग कंप्लीटली अंडरमाइंड।
एंड वॉज कंसिडर्ड सीरियस इनफ फॉर यूएन सेक्रेटरी जनरल टू सेटअप एन एक्सपर्ट ग्रुप सोलली टू लुक इन टू दिस. वॉट इज ग्रीन वॉशिंग एंड वाई इज इट डेंजरस, वी एक्सप्लेन. ये देखिए, इन द फर्स्ट ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ ग्रीन वॉशिंग यूएन, देखिए पहला ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट किया गया यूएन में. यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ऑन ट्यूजडे वॉर्न्ड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, ये देखिए, टू डिजिस्ट फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस एंड मेंट देयर वेज विद इन अ ईयर. एक साल के अंदर आ जाओ ट्रैक पर, नहीं तो मैं देख लूंगा. सो देयर विल बी जीरो टॉलरेंस फॉर ग्रीन वॉशिंग, ही सेड एट द ऑनगोइंग क्लाइमेट मीटिंग इन शर्म एल शेख. द यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन क्लाइमेट एक्शन इज नॉट न्यू. ये देखिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस कौन यूज करता है? कंपनीज. कौन यूज करता है? दिस कॉर्पोरेशंस. कौन यूज करता है? कंट्रीज. ग्रीन वॉशिंग का एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा जो दिया हुआ है न्यूज में इस बार, फोक्स वैगन स्कैंडल. ये देखिए, यहाँ ये जर्मनी की कार कंपनी ने चीटिंग करना शुरू किया था एमिशन टेस्टिंग में. ये देखिए, उसने कहा था हमारे डीजल व्हीकल्स यूरो नॉर्म्स पे उतर रहे हैं खड़े और ग्रीन व्हीकल्स हैं, लेकिन बाद में देखा गया एमिशन टेस्टिंग में इसने चीटिंग कर दिया. ये वही बात हो गई कि मेंस का पेपर आपने खुद लिखा और अपने से चेक करके 250 में 250 दे दिया. नहीं, मुझे बताइए, इज इट क्लियर? तो ये देखिए, सेवरल अदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग ऑयल जायंट्स लाइक शेल एंड बीपी एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम, इसका मतलब है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम नहीं है, एंड कोका कोला हैव फेस्ड एक्यूजेशंस ऑफ ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग प्रेजेंट्स अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन द क्लाइमेट चेंज फ्रंट, दे आर बाई पुशिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स डिजास्टर वाइल एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग एंटिटीज फॉर इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. दैट्स इट. तो फोक्सवैगन स्कैंडल बहुत न्यूज में आया था उस समय, ठीक है, खुद ही टेस्टिंग कर दिए, खुद ही मार्क्स दे दिए, खुद ही टॉप कर गए रैंक वन पर. नहीं, तो इसी को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, इसको टॉक्सिक कवर अप कहा है. लेकिन देखिए, इस न्यूज में और भी कुछ एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स. ये देखिए, साथ में यूएई और इजिप्ट ने एंटोनियो गुटेरस को पूरा नजरअंदाज करते हुए या पूरा फोकस करते हुए, कुछ भी कह लीजिए, इन लोगों ने साइन कर लिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड फार्म का डील. ये देखिए, विंड फार्म, यस, शर्म एल शेख के आसपास. अब लग रहा है कि यूएई को यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, शर्म एल शेख इजिप्ट से, ठीक है. क्या कर रहा है यहां पर? 10 गीगावाट का विंड प्रोजेक्ट यहां शुरू होने वाला है. ये देखिए, यूएई ने जब वहां यूएई के लोग गए तो मालूम चला कि अरे यहां इससे तो अच्छी जगह है वहीं से रहने के लिए, यहीं विंड एनर्जी बनाएंगे, 10 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे और यहीं रह जाएंगे. ये देखिए, तो ये 10 गीगावाट एनर्जी जो है ये इतना कार्बन एमिशंस रोकेगा जितना इजिप्ट का 9% कार्बन एमिशंस डिक्रीज कर जाएगा. क्या ये बड़ा स्टेप है? मुझे बताइए स्टूडेंट्स. ये देखिए, 9% कार्बन एमिशंस ऑफ इजिप्ट वुड बी काउंटर्ड बिकॉज ऑफ दिस. तो बदले में यूएई को क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट. सुना है आपने? कार्बन क्रेडिट, दैट्स इट. तो कार्बन क्रेडिट मिलेगा यूएई को और फिर यूएई कहेगा यार मुझे रहने को भी जगह दे दो यहां पर शर्म एल शेख के आसपास. यूएई इजिप्ट डील इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट विंड फार्म डील एवर स्ट्रक इन द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. दैट्स इट. देखिए, तो यही है स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है ग्रीन वॉशिंग. इज इट क्लियर? मुझे बताइए. तो ये देखिए, द ट्रेड इन कार्बन क्रेडिट्स कम्स अंडर द स्कैनर इन एनी डिस्कशन ऑन ग्रीन वॉशिंग. ये देखिए, कार्बन क्रेडिट, देखिए सब कोई कहता है मैं ये काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं, मुझे मार्क्स दे दो, मुझे कार्बन क्रेडिट दे दो. कार्बन ट्रेड इज अ लेजिटिमेट एक्सरसाइज. ये देखिए, एग्रीड, इट इज ऑफिशियली इनकरेज्ड. कंट्रीज और फर्म्स दैट रिड्यूस एमिशंस बियॉन्ड देयर मैंडेट आर ग्रांटेड कार्बन क्रेडिट्स विच कैन देन बी बॉट फॉर मनी बाई एंटिटीज दैट नीड टू अचीव देयर टारगेट्स. देयर वॉज अ कार्बन मार्केट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एंड अ न्यू वन इज बीइंग क्रिएटेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एज वेल. कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन मार्केट्स, कार्बन ऑफसेट्स, इसका तो कंसेप्ट है ही, लेकिन इसके लिए झूठा मत कहिए, मीन्स झूठ कहकर आप आगे बढ़ रहे हैं. बट द स्कोप ऑफ कार्बन मार्केट्स हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड सिंस इट वॉज फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज्ड. इनफॉर्मल कार्बन मार्केट्स ऑल्सो एग्जिस्ट. ये देखिए, इनफॉर्मल कार्बन मार्केट एग्जिस्ट करता है. There are now credits available for all kind of activities, for growing trees, for planting a certain kind of crop, for installing energy efficient equipment. Means हर चीज में अब कार्बन क्रेडिट मिल रहा है. कल को पहले आप ऐसा करते थे that काम किए पैसा दो, अभी काम किए पैसा दो और कार्बन क्रेडिट दे दो मुझे. That's it. Is it clear? मुझे बताइए students. तो यही है, अभी एक सवाल आया है चैट बॉक्स में that इंडिया क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, इंडिया का टर्न नहीं आया है क्या? अभी एंटोनियो गुटेरस का टर्न चल रहा है. इनफैक्ट अभी तो टर्न ही नहीं आया है किसी का भी, इंक्लूडिंग जोसेफ बाइडेन. ये देखिए, स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है
इस जगह पे कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केट में सबसे बड़ी चीज है लैक ऑफ इंटीग्रिटी। देखिए कितना बढ़िया शब्द, इसी को कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स के खिलाफ जाना, एनवायरमेंटल एथिक्स के खिलाफ जाना, ग्रीन वॉशिंग। मैं रहूंगा आपकी जगह पर, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं टॉपिक का डिटेल में, मैं जीएस पेपर 4 में अगर वैल्यूज एथिक्स आ गया इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस में और फंडिंग को लेकर, मैं इसे जरूर अटैच करूंगा इस चीज को। क्लियर? क्या चाहिए, कार्बन क्रेडिट चाहिए या टर्म चाहिए वहां बात करने के लिए? नितिन ने कुछ सवाल पूछा है वहां पर, ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट सी। तो ये देखिए यही न्यूज था स्टूडेंट्स, अब इसी पर देखिए, मैंने कहा ना एंटोनियो गुटेरस का टर्न अभी चल रहा है, जोसेफ बाइडेन का टर्न नहीं आया। मीनवाइल एक थोड़ा छोटा सा जोक आप लोगों के सामने, ये देखिए रिगार्डिंग COP27 इजिप्ट, ये देखिए टॉक्सिक कवर अप इज इक्वल टू ग्रीन वॉशिंग, एंटोनियो गुटेरस देखिए कह रहे हैं सामने देखिए, एंड जोसेफ बाइडेन इज लाइक न्यू न्यू वर्ड्स आर कमिंग अप। ये किसी को याद रहे ना रहे, देखिए कितनी बड़ी परेशानी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, नए नए शब्द आते चले जा रहे। नहीं तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एनवायरमेंट में अभी आने वाला है बहुत कुछ, अभी अगले 10 दिनों में शायद पूरे पेपर्स इसी से फुल रहेंगे, इसी न्यूज से, और इसी पर हम लोग मीम्स बना के भी डिस्कस करते रहेंगे। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो ऐसे ही जोसेफ बाइडेन परेशान चल रहे हैं कि उनको अपना ही इनिशिएटिव याद नहीं रहता है, इतने सारे इनिशिएटिव लॉन्च कर दिए थे लास्ट ईयर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भूल गए थे। यूपीएससी एस्पिरेंट से ज्यादा कोई डायनामिक नहीं होता है, मैं बता दूं आपको पूरे विश्व में, कि जैसे कोई कुछ बोलता है ठीक है यार ये भी याद करना है, ये ठीक है यार ये भी समझना है, ठीक है यार ये भी पुटअप करना है, ओके। लेकिन यहां पर ये देखिए कि इनको खुद ही याद नहीं है इन्होंने क्या कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ। जीएस पेपर 2 पब्लिक 3 इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 में है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पेपर 2 में है। इसमें सबसे पहला न्यूज आई, देखते हैं क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स। ये देखिए फर्स्ट न्यूज कमिंग अप, सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स 22nd लॉ कमीशन, व्हाट रोल डज दिस बॉडी प्ले। मैं बता दूं ये स्टूडेंट्स प्रीलिम्स का टॉपिक, लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑन मंडे कॉन्स्टिट्यूटेड, देखिए सवाल ये है आप लोग यहां पुटअप कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट सर कौन अवार्ड करता है इंस्टीट्यूशन? आप इंस्टीट्यूशन से ज्यादा फोकस कीजिए मैकेनिज्म के ऊपर, पेरिस एग्रीमेंट के तहत उसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हैं, बात समझ में आ रही है? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। अब ऐसी जगह पे सिंगल इंस्टीट्यूशन डज नॉट कम अप इन टू रोल प्ले, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ था कार्बन क्रेडिट कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ऐसी जगह पे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन आर इन द रोल प्ले, ठीक है। और यही चल रहा है स्टूडेंट्स इस समय, अभी रोल मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस का चल रहा है पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक कार्बन मार्केट तैयार करने में, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑन मंडे नवंबर 7 कॉन्स्टिट्यूटेड द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विद जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी, फॉर्मर सीजेआई ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, एज इट सेड ही हेडेड, ये देखिए लिखा हुआ, ही हेडेड द बेंच दैट इन मार्च दिस ईयर अपहेल्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन एंड गर्ल्स वियरिंग द हिजाब इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लास्ट मंथ द टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स ऑर्डर। तो ये बस लिखा हुआ इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है हिस्ट्री, ठीक है, कि ये लोग कौन कौन से लोग हैं जो लोग आए हैं इसमें लॉ कमीशन में। द लॉ मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्स द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विद डेफिनेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस के टर्म्स दिए जाते हैं कि किस चीज पे आपको सोचना है, बोलना है, बात करना है, लिखना है। टू कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ, देखिए R&D इन द फील्ड ऑफ लॉ इज इट नीडेड, यस इट्स नीडेड स्टूडेंट्स। द कमीशन मेक्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एज इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, देखिए रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करना, कितना रिपोर्ट तैयार करना है देखिए। द लॉ कमीशन वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955 एंड हैज सो फार सबमिटेड 277 रिपोर्ट्स। According to the Law Ministry's website, the Law Commission of India provides excellent, thought-provoking and vital review of the laws in India. Laws, Indian Penal Code हो, CRPC हो, CPC हो, इन सब पर, means जितने भी नियम कानून हैं, उन सब पर Law Commission advise करता है government को. Yes, it's needed students, ये देखिए. 22nd Law Commission, the commission headed by Justice Awasthi, the 22nd Law Commission of India. The tenure of 21st Law Commission
which was headed by former Supreme Court Judge Justice B.S. Chauhan, came to an end in August 31st, 2018. The 22nd Law Commission has been constituted 2.5 years after it was approved by the Union Cabinet, just before the outbreak of COVID-19 pandemic. तो बस यही देखा जाए अब ये क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे. ठीक है. An official release at the time of cabinet clearance had said the commission would have a tenure of 3 years from the date of publication of the order of constitution. ये देखिए 3 साल तक रहेंगे ये बताएंगे क्या नया करना है क्या चेंजेस करने हैं क्या चेंजेस नहीं करने यही एक कहानी है. ये देखिए the commission shall identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed. ये देखिए examine the existing laws in the light of directive principles of state policy and suggest ways of improvement and reform and also suggest such legislations as might be necessary to implement the DPSP and इसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है. सबसे बड़ा चीज यही चेक करेंगे लॉ कमीशन वाले इस बार के. ठीक है समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स. तो बस यहां से आ सकता है द लॉ कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी constituted by the government every 5 years yeah, every with a fixed tenure. Second, the law commission has been mentioned in the constitution. aise karke aayega which of the following is correct. none of the above is correct. theek hai chaliye aage badhte hain. next topic social security ki baat kahe to employee provident fund organization dekh sakte hain aap. employees provident fund organization bharat sarkar ministry of labor and employment ke andar mein ye kaam karta hua organization ye social security benefits ke liye famous hai. ye dekhiye aaye dekhte hain iska iske upar abhi controversy chal raha hai. kya controversy chal raha hai usse dekhne se pehle iska background check karte hain students. aaye dekhte hain. EPFO is one of the world's largest social security organizations in terms of clientele and the volume of financial transactions undertaken. The Employees Provident Fund came into existence with the promulgation of the Employees Provident Fund's Ordinance in 51 and it was replaced by the Employees Provident Fund Act in 52. The Employees Provident Fund Act 1952 se chal raha hai and it provides for the institution of provident funds for employees in factories and other establishments. इसका मतलब साफ है जो दिस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वर्कर्स जो बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं जहां सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है वहां के लिए ईपीएफओ सेटअप किया गया था. बात समझ में आ रही है मुझे बताइए स्टूडेंट्स. तो यहां पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंड होता है ईपीएफओ के अंडर में दैट इज द प्रोविडेंट फंड. ठीक है. प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है देखिए स्टूडेंट्स जहां पर एम्प्लॉयर्स भी देखिए एक ऐसा पैसे का अमाउंट जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों का कंट्रीब्यूशन रहे. ये देखिए यस एम्प्लॉयज के सैलरी से डिडक्शन होता है एम्प्लॉयर्स उस उतना ही अमाउंट कुछ पुटअप करते हैं और इससे क्या होता है इन द ओल्ड एज या आफ्टर द रिटायरमेंट द पर्सन गेट्स द एम्प्लॉयज गेट अ लंप सम अमाउंट. ये देखिए लंप सम अमाउंट फॉर देयर बेनिफिट. यस और यही कितनी बार यही प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल मैं बता दूं प्रोविडेंट फंड या बाकी चीजों का इस्तेमाल सरकार भी करती है. यस तो प्रोविडेंट फंड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं सोशल सिक्योरिटी में. पेंशन मिलता है ग्रेच्युटी मिलती है. सुना है आपने मुझे बताइए. तो आइए देखते हैं क्या इस पर न्यूज आया है. ठीक है देखिए अब ये सारी चीज आ रही है सर पेंशन प्रोविडेंट फंड सर ये सब क्या जरूरी है. बहुत जरूरी है. जब सीनियर सिटीजन्स when a person retires do they need a lump sum amount do they need a monthly amount as well. yes and they have contributed well in the country's growth that's why they need it. aaiye badh chalte hain kya news aaya students kya controversy chal raha aaj the hindu mein detail aaya the supreme court order on pf pensions. theek hai let's see what has the supreme court ruled in the case where the employees provident fund organization appealed various orders favoring employees. Who all stand to benefit from the order? Who all have been excluded? What have been the union government's argument? Thousands of working individuals who are eligible for pension under the employees pension scheme 1995. ये देखिए ये भी एक social security benefit है. Yes, employees pension scheme launch किया गया था EPFO के द्वारा 1995 में. ये देखिए ठीक है. And those who already drop this provident fund pension have been litigating in various courts for several years seeking to invoke a provision in the scheme by which pension benefit can be increased substantially. ye dekhi
पीएफ पेंशन जो लोग विड्रॉ कर रहे हैं अभी, रिटायर कर गए हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए 4,000 रुपये पेंशन है, 2,000 रुपये पेंशन है, या जो लोग अभी विड्रॉ करेंगे रिटायर होने के बाद, उन लोगों को लेकर ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, आइए देखते हैं क्या केस गया था। अ 3-जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द मैटर ऑन नवंबर 4 इन अ केस वेयर द ईपीएफओ अपील्ड वेरियस ऑर्डर्स फेवरिंग एम्प्लॉइज इश्यूड बाय द केरल, राजस्थान एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स। द ऑर्डर प्रोवाइडेड रिलीफ टू सम एम्प्लॉइज। सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज के फेवर में ये वर्डिक्ट दिया है। आइए देखते हैं व्हाई डिड द एम्प्लॉइज लिटिगेट, क्यों ये लोग गए थे पिटिशन लेकर, क्यों केस दायर किया ईपीएफओ के ऊपर। एन ऑप्शन टू इंक्रीज द पेंशन इज प्रोवाइडेड इन द ईपीएस 1995 एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। ये देखिए जो 1995 का स्कीम है उसमें पेंशन इंक्रीज करने का ऑप्शन है। फॉर विच 8.33% ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज पीएफ अकाउंट मस्ट बी रेमिटेड इनटू द पेंशन फंड ऑन एक्चुअल बेसिक पे डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। इसका मतलब साफ है एम्प्लॉयर की तरफ से बढ़ाया जाएगा अमाउंट पेंशन में। द रिक्वेस्ट फॉर अ हायर पेंशन शुड बी मेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑप्शन एक्सरसाइज बाई बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, बट ड्यू टू इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। देखिए कितना क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे। मोस्ट मेंबर्स डिड नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एंड हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द पेंशन फंड ओनली विद इन अ सैलरी कैप विच वॉज रिवाइज फ्रॉम 6,500 टू 15,000 8 years अगो एंड नॉट ऑन एक्चुअल पे। दिस रिड्यूस द पेंशन बेनिफिट शार्पली। पेंशन परसेंटेज ऑफ एक्चुअल पे की बात देखिए, एक्चुअल पे यहाँ पर देखिए बेसिक प्ले प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस रिटेनिंग अलावेंस, इसको कंबाइन करके इसका हिस्सा, इसका एक परसेंटेज जाता पेंशन में, इंक्रीज पेंशन होता। लेकिन अभी क्या जा रहा है, केवल केवल बेसिक पे के ऊपर जा रहा है, यही चिंता की बात है। तो ये देखिए द लिटिगेशन बाई एम्प्लॉइज अरोज बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड ईपीएस 1995 इफेक्टिव सेप्टेंबर 1, 2014 इंट्रोड्यूसिंग अमंगस्ट अदर चेंजेस अ टाइम लिमिट ऑफ 6 months। ये देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 2014 में सितंबर 1 तारीख को 6 महीने का टाइम लिमिट दिया कि अगर हायर पेंशन चाहिए तो अभी तुरंत 6 महीने के अंदर आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद हम नहीं सुनने वाले हैं। ये देखिए तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है आइए देखते हैं ये आप बताइए क्या पेंशन की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं, मुझे बताइए क्या पेंशन की ज़रूरत होती है किसी को, पेंशन प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी की ज़रूरत होती है, मुझे बताइए। एसिमेट्री का मतलब होता है जानकारी ना होना, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर्स को जानकारी हो गई, एम्प्लॉयर्स को जानकारी नहीं हुई कि पेंशन बढ़ाने का एक तरीका है मेरे पास। सरकार ने कहा 6 महीने के अंदर बता दो, सबमिट कर दो प्रपोजल, जिसको चाहिए वो सबमिट कर दो फॉर्म तो तुम्हें मिल जाएगा। अब 6 months का टाइम लिमिट इंक्रीज करके इसको बताया नहीं गया एम्प्लॉइज को, मीन्स एम्प्लॉइज डिड नॉट नो द टाइम लिमिट। ये देखिए ये कभी भी फ्रीबीज नहीं हो सकता है, मैं बता दूं आपको, पेंशन कभी भी फ्रीबीज नहीं हो सकता है। इट्स अ राइट, इफ यू हैव वर्क्ड इट्स अ राइट। यस, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो पेंशन खाते हैं लोग वह है लेजिस्लेटर्स आफ्टर 5 years ऑफ देयर टेन्योर इन द लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, घर पे बैठे उसके बाद जीवन भर का सुख नहीं, मुझे बताइए। और कितना पेंशन मिलता है यहाँ पर प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ में जो लोग रजिस्टर्ड हैं, 3,000 महीने का, 4,000 महीने का, 3,500 महीने का, 1,500 महीने का, 1,500-2,000 फ्रीबीज नहीं हो सकता। 50,000 रुपए जो लेजिस्लेटर्स को मिलता है वो फ्रीबीज है उनके लिए। यस, कहते हैं ना दैट सबसे सिक्योर जॉब पॉलिटिशियन का होता है, मुझे बताइए एग्री कर रहे हैं सबसे सिक्योर जॉब पॉलिटिशियन का होता है, 5 साल काम करो, किसे 5 साल का पेंशन मिलता है मुझे बता दीजिए इस देश में। इसी वजह से यू जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आपको पेंशन और प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा तभी ना आप ये सोचते हैं कि भाई मेरा जीवन में क्या होगा आगे 60 इयर्स के बाद। 50 साल की उम्र तक जाते जाते ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर, सारा इलनेसेस चिंता के कारण शुरू, और उसके बाद 60 साल के बाद 5-6 साल के बाद ही मींस सर्वाइवल दिक्कत में। और यहाँ पर कुछ लोगों का जीवन 60 साल के बाद शुरू होता है जो पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं, 80, 90 साल, 100 साल, बस बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो पेंशन इज अ राइट, अगर काम किया तो मिलना चाहिए, दैट्स इट।
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 6 मंथ्स के अंदर आप बताइए इंटरेस्टेड हैं पेंशन में क्या, इंक्रीज पेंशन में, और अगर उसमें नहीं बता सके तो 6 मंथ्स और मिलेगा, लेकिन आपको कॉज ऑफ डिले बताना पड़ेगा क्यों आपने नहीं बोला उस समय। दिस टाइम लिमिट वॉज नॉट नोन टू द एम्प्लॉयज एज देर वॉज नो कम्युनिकेशन टू देम। ये देखिए इसी को इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। मुझे बताइए ये देखिए यहां पर नो कम्युनिकेशन, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। एम्प्लॉयर को बता दिया गया, एम्प्लॉय को नहीं बताया गया, तो कैसे काम चलेगा। सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस फॉर हायर पेंशन वर रिजेक्टेड बाय द ईपीएफओ सेटिंग द कट ऑफ डेट 1 सितंबर 2014 इवन आफ्टर इट हैड बीन सेट असाइड बाय 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन आरसी गुप्ता केस इन 2016। सोचिए ये तो परेशानी की बात है। ये वही बात हो गई कि एग्जाम डेट बदल दिया गया यूपीएससी का, ठीक है। नहीं मुझे बताइए यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं आप जा रहे हैं, मान लीजिए आया है तारीख 5 जून आया है, 27 मई आया है, आप गए एग्जाम देने के लिए, बोला गई तो 27 अप्रैल को एग्जाम हो गया था। 27 अप्रैल को कौन लिया था, नहीं बताया क्या यूपीएससी को तो पता था। तो मुझे बताइए क्या आपको नहीं पता रहेगा, यूपीएससी को पता रहेगा तो क्या गेम हो गया, या तो गेम आपके साथ हो जाएगा। नहीं कैसा एग्जाम तब, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड दिस इज प्रॉब्लमेटिक। इसी को लेकर ये लोग गए थे। अब बताइए मुझे क्या केस लगना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लगना चाहिए था, बिल्कुल लगना चाहिए था, कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट में केस पुटअप करता इस चीज के ऊपर। What is the impact of the order? The Supreme Court importantly upheld the amendments to the pension scheme made by the government in 2014, which restricts even membership of the scheme up to a base ceiling of 15,000, but it provided relief to the employees. सबसे बड़ी रिलीफ यही है, ठीक है, that जिन लोगों ने स्कीम के लिए, ठीक है, स्कीम के लिए नहीं अपना नाम दिया था अभी तक, वो लोग अब दे सकते हैं नाम। ये देखिए amended scheme के तहत। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है, द कोर्ट सेड दैट ऑल एम्प्लॉयज हु डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन बट वर एंटाइटल्ड हैं टू डू सो ड्यू टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कट ऑफ डेट बाय अथॉरिटीज शुड गेट अ फर्दर 4 मंथ, 4 महीने और मिलेगा उसको। ये देखिए द इंप्लीकेशन इज दैट दोज हु आर मेंबर्स ऑफ ईपीएस 1995 एज ऑफ सितंबर 1, 2014 एंड बियॉन्ड कुड एक्सरसाइज द जॉइंट ऑप्शन। ये देखिए दिस मीन्स दैट सेवरल सर्विंग एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट फॉर हायर पेंशन नाउ transferring the stipulated part of employees contribution to the pension fund. Other members who contributed to the fund beyond that date but retired would have to remit the stipulated dues into the pension fund of the EPFO. इसका मतलब साफ है, पेंशन ज्यादा मिलने के लिए, ठीक है, जो आपका फंड है उसमें उसमें आपने जो विड्रॉ किया है पैसा वो भी डालना पड़ेगा, ठीक है, उसी फंड से पैसा मिलेगा जो लोग रिटायर कर गए उनके लिए, और जो लोग अभी सर्विंग कर रहे हैं उनके लिए इंक्रीज पेंशन अमाउंट रहेगा। पेंशन अमाउंट इंक्रीज कैसे होगा, एक्चुअल पे बेसिक पे प्लस डीआरएस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस कंबाइन करके उसका परसेंटेज, पहले क्या था केवल बेसिक पेपर कैलकुलेट होता था, दैट्स इट। तो दिस इज इट, यहां पे कुछ ज्यादा खास नहीं है रिगार्डिंग दिस, डिटेल्स आपको नहीं पता करना है, लेकिन इतना पता रहना चाहिए दैट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर अ फंडामेंट आर अ राइट, डीपीएसपी में दिया हुआ है, डीपीएसपी भी एक राइट ही है स्टूडेंट्स, ठीक है, बस उसे उसके लिए रिसोर्सेज नहीं थे तो उसे वहां रखा गया उन चीजों को। एंड सेकंड पॉइंट इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का क्लासिकल एग्जांपल देखिए, किसी किसी चीजों में इंफॉर्मेशन इतना आ रहा है कि इंफोडेमिक हो जा रहा है और किसी किसी चीजों में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक्सटेंडिंग द पेंशन स्कीम some changes regarding EPS after the Supreme Court judgment. Pension coverage extended in 2014 to employees drawing salary more than 15,000 per month. ठीक है, subject to, ये देखिए यहाँ put up किया गया, nothing, not, it is not, that details are not important, details में मत जाइए इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स, ये लॉ कमीशन हो गया और ये ईपीएफओ हो गया। चलिए अगला टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी के सामने, आईआर का टॉपिक, चीफ ऑफ इंडियन फ्रेंच एयर फोर्सेस ज्वाइन ऑनगोइंग गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज, जोधपुर की बात चल रही है, इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज। ये देखिए अब इंडिया दिस इंडिया इज गोइंग फॉर स्पेशलाइजेशन इन एक्सपर्टीज इन डेजर्ट टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, ठीक है, दिस मराइन टेरेन। ये देखिए एयरफोर्स आर्मी अलग अलग सबका एक्सरसाइज, दैट्स इट।
तो मुझे बताइए क्या ये अटैच कीजिएगा, डिफेंस डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड डिफेंस डील्स एंड डिफेंस एक्सरसाइजेस आर बिकमिंग अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद अदर कंट्रीज कमेंट। यस, ये देखिए डिफेंस एग्रीमेंट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज, पुट अप कीजिएगा। एंड नेक्स्ट, स्टूडेंट्स इंडियंस हाईएस्ट नॉन यूके बॉन्ड रेसिडेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, सदमा लग गया इंग्लैंड को, यूके को, बोरिस जॉनसन जी को, पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रूस को, ठीक है, अभी तो ऋषि सुनक है वहाँ पर, इनको जोसेफ बाइडेन ने राशिद सुनक कहा था, ठीक है। तो ये देखिए इंडियंस हाईएस्ट नॉन यूके बॉन्ड, ये देखिए मीन्स वहाँ पे जितने लोग बाहर के हैं उस जगह पर इंग्लैंड में, उससे पूछा गया कि मीन्स बाहर के हैं मीन्स वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं हैं तो आप कहाँ के हैं, तो बोला गया इंडिया में मेरा बर्थ हुआ है। बोले इंडिया में कितने लोगों का बर्थ हुआ है, 9,20,000 लोगों का, ये देखिए अभी एट प्रेजेंट लास्ट ईयर का डिटेल्स। उसके बाद पोलैंड का है 7,43,000, ये देखिए, पाकिस्तान का है 6,24,000, थोड़ा इंडिया और पाकिस्तान का अटैच कीजिए, ये देखिए एक ही जगह है जहाँ पर कोऑपरेशन चल रहा है। यूके में आज से 10-20 साल के बाद कोई यूके का दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये भी शक लग रहा है, दैट्स इट। उसके बाद आइए देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में नेक्स्ट न्यूज, COP27 में व्हाट इज लॉस एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज पर डिस्कशन चल रहा है इस पर, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ है, इसको आज हम नहीं देखेंगे क्योंकि आज भी इस पर डिस्कशन चल रहा है, अभी नहीं आया है बारी इंडिया का कुछ बोलने का, ना जोसेफ बाइडेन का आया है, ठीक है, अभी अभी केवल चल रहा है, अभी केवल जमाने चल रहे हैं बोलने के एंटोनियो गुटेरस के, एंटोनियो गुटेरस चुप हो जाएंगे आज से, उसके बाद जोसेफ बाइडेन बोलेंगे, प्यूटिन बोलेंगे, जी जिनपिंग बोलेंगे, फिर बाद में इंडिया की तरफ देखा जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ ये डैमेज, लॉस एंड डैमेज क्या होता है इसको डिफाइन किया जा रहा है वहाँ पर, सर सर इसका डेफिनेशन नहीं आता इन लोगों को, अब क्या कहिएगा, सर इसका डेफिनेशन नहीं आता वर्ल्ड के सबसे प्रीमियर लीडर्स को, लॉस का मतलब नहीं पता उन लोगों को, डैमेज का मतलब नहीं पता उन लोगों को, अब क्या कहिएगा, ठीक है, अब नहीं कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मुझे बताइए। ये देखिए द UNFCCC डिफाइंस लॉस एंड डैमेज, अब इस पर डिस्कशन चल रहा है, सर इतना डिस्कशन, लॉस एंड डैमेज इज द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज स्टॉर्म सर्ज हीट वेव ड्रॉट फ्लड एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन एज वेल एज स्लो एंड ऑनसेट इवेंट्स सच एज ओशन एसिडिफिकेशन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये देखिए डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट सी लेवल राइज एटसेट्रा, इसी से डिस्कशन चल रहा है, बात समझ में आ रही है, ये एटसेट्रा में क्या क्या आता है। यूएस कहेगा नहीं नहीं कुछ इसमें बताओ फिर से और आगे, देन जी जिनपिंग विल बी लाइक नहीं 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 बताएंगे अभी, अभी नहीं बात करना है इस पर, उस पर फिर किम जोंग उन विल बी लाइक ओके ठीक है, इसे मिसाइल नहीं है तो मिसाइल लॉन्च करना जरूरी है, यहाँ पर यही सब पर डिस्कशन चलेगा, कन्फ्लिक्ट होगा डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में, और उसके बाद जो भी होगा आपको पता है पहले से, डील साइन होंगे नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड। 2015 का पेरिस एग्रीमेंट का अभी तक कार्बन मार्केट सेटअप नहीं किया गया, 2022 हो गया, क्या बात है, ये देखिए 92% ऑफ एक्सेस हिस्टोरिकल एमिशंस एट्रिब्यूटेबल टू रिच नेशंस, ये देखिए $5.5 बिलियन एस्टिमेटेड क्लाइमेट चेंज लॉस सफर्ड बाय इन द लास्ट 20 ईयर्स, 31 ईयर्स सिंस लॉस एंड डैमेज फर्स्ट मूटेड, ये देखिए 31 साल पहले ये वर्ड बोला गया था और शायद 3,000 साल पहले से ये वर्ड चल रहा है, लेकिन अभी तक डेफिनेशन नहीं निकाला गया यहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये देखिए तो आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर, लेट सी क्या पैसिफिक नेशंस कह रहे हैं कि नहीं लॉस एंड डैमेज का हमें पता है डेफिनेशन, सब कुछ आता है, एंड देन प्यूटिन एंड जी जिनपिंग एंड जोसेफ बाइडेन इज लाइक नहीं नहीं रुको 2 मिनट रुको, जो मैं काम कर रहा हूं उसमें नहीं आता है, उसे हटा दो साइड में करो। उसके बाद प्यूटिन एंड जी जिनपिंग आर लाइक ओके ठीक है, हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये सब नहीं आता है, इसके कारण जो भी लॉस एंड डैमेज होगा वो नहीं आएगा, एंड जोसेफ बाइडेन विल बी लाइक यार मुझे याद ही नहीं है कि क्या कहा था मैंने, ओके। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडे, आई होप यू गॉट द पॉइंट, लॉस एंड डैमेज पर एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दिस लॉ कमीशन क्या है, उसके अलावा EPFO क्या है, ओके, उसके बाद टॉक्सिक कवर अप क्या है, ठीक है, COP27 इजिप्ट में, ये देखिए
उसके बाद कार्बन क्रेडिट क्या है, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वॉशिंग क्या है ये देखिए, और लास्टली स्टूडेंट्स दिस टॉपिक ऑफ क्रैब स्पीसीज देखिए, स्यूडोहेलिस ये मस्त अपने में चला जा रहा है, बोला मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, नया स्पीसीज ये देखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देखिए, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम हिमालयन स्टेट, दैट सेट स्टूडेंट्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, नमस्कार जय हिंद, लेट्स एंड द सेशन। और आ जाइए आप आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे फॉर फिट टेकिंग द फ्री पीडीएफ ऑफ दिस सेशन इन 30 मिनट्स फ्रॉम नाउ। नमस्कार जय हिंद।